हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल केपीए मेटल डिटेक्टर्स में। मैं आपका दोस्त विकास पासी। तो दोस्तों, आज हम ट्रेजर हंटिंग करने आए हुए हैं। ये सर की एक हवेली है, सर का नाम है करण। हेलो जी। तो सर, मेरे एक फ्रेंड के जो है रिलेटिव हैं, तो सर ने मेरे को बोला कि मेरी आप हवेली पे आइए, तो देखते हैं। वहाँ पर एक मेरा पुराना मकान है जो कि पता नहीं लगभग कितने साल पुराना होगा। ये हो गया काफी 1897 जी है सर। ये लगभग 200 साल लगभग पुराना है, तो उसी के लिए हम यहाँ पर आए हैं। लगभग देख सकते हैं आप, थोड़ा कैमरा जूम करेंगे तो आपको हवेली वो दिख रही होगी कुछ उस तरीके से। वहाँ देख सकते हैं बहुत ही पुरानी सर की हवेली है। तो सर की आज उस हवेली में हम सर्चिंग करने के लिए आए हैं। सर को देखना था कि उनके पूर्वजों ने वहाँ पर कुछ रखा है या नहीं। बाकी लगभग कितने सालों से सर बंद है ये? सर काफी हो गया, 100 साल से हो गया लगभग। 100 साल, एक बहुत दिनों से बंद है। तो देख सकते हैं चारों तरफ एकदम घासी घास, कुछ भी नहीं है। इसके बहुत ज्यादा सर घना है, पूरा एकदम जंगल के बीच में ये जो है बना हुआ है। तो मतलब एकदम गाँव से हटकर बिल्कुल उन्होंने बनाया होगा, एकदम बिल्कुल बंद जगह पे। तो दोस्तों आइए चलते हैं सर, आइए सर चलते हैं। देख सकते हैं चारों तरफ से जो है जंगली घास जो होती है पूरे में हो चुकी है। ये देख सकते हैं कितनी पुरानी हवेली है ये सर, बहुत ज्यादा बहुत पुरानी हो चुकी है सर। देख सकते हैं ये छोटी छोटी वाली जो होती है वो लगी हुई है। अभी सर जाने का भी रास्ता नहीं है, हम आपको दिखाते हैं रास्ता। आइए इधर ही से सर, रास्ता खत्म हो चुका है। देख सकते हैं कि कितनी पुरानी हवेली है। ओ माय गॉड दोस्तों, देख सकते हैं आप कितनी पुरानी हवेली है। बहुत ही ज्यादा टूट चुकी है, बहुत ही हंटेड हाउस की तरह एकदम, मतलब हंटेड है सर, एकदम डरावनी। सर ये क्या करें, अभी हम लोग भी ये यूज नहीं कर पा रहे। देख सकते हैं आप दीवार दिखाई, थोड़ा ये देख सकते हैं कितनी मोटी मोटी दीवार उस समय पे बनाई गई है। इसमें आज के जमाने में ये बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है हटकर, और स्ट्रक्चर देख सकते हैं किस तरीके से बनाया गया है। तो सर बहुत ही आपकी प्यारी हवेली, तो सर स्टार्ट करें। सर पहले सर इसमें हमारे जो रहते थे पहले, हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, हमारे अनुसार यहीं पे लग रहा है। ठीक है सर, हाँ। मैं यहीं से स्टार्ट करता हूँ, तो मैं अपनी मशीन में ऑन कर देता हूँ। पिन पॉइंटर लाइए। इधर से सी
लोहे की कोई चीज वो लोहे ये सरिया दिया था एक्चुअली क्या होता है ना पुराने समय में भी लोहा कैसे इस्तेमाल करा जाता था तो वो लोहा के जगह ना भाई क्या लोहा लोहा उधर नहीं बिल्कुल लोहा वो लोहा नहीं है यार काफी दूर हो गया होता है पूरा एरिया तो हमने चेक कर लिया है देख सकते हैं यहाँ पर उधर तो हमको सिग्नल मिले बाकी इधर कोई भी सिग्नल नहीं आ रहे हैं। तो सर सबसे बढ़िया बात क्या है इस मशीन की, इसमें एकदम सटीकता मिलती है आपको ये, क्योंकि इकनोक 700 इसीलिए बनाई गई है, वरना इसका एक छोटा मॉडल भी था जो कि 600 का लोअर। सर वैसे बहुत समय का हो गया है ये, काफी सर बहुत काफी पुराना हो चुका है ये सर, ये काफी सर आप देख सकते हैं। थोड़ा इधर को दिखाइए सर, इधर इन्हों दिखा दो, ऊपर चले वही तो सिग्नल सर ज्यादा है आपके इधर हैं, आपके इधर लोहे का सिग्नल बहुत ज्यादा है। अच्छा अभी तक तो यहाँ कुछ मिला नहीं है, बाकी आगे कोशिश कर रहे हैं। इसलिए सिंगल कितना फिट तक नीचे दिखा सकता है सर, ये जो मशीन है सर मैक्सिमम 5 से 6 फिट तक दिखाती है। हाँ अगर कोई बड़ा मटेरियल होता है ये भी कोई कमरा हुआ करता था सर, क्या था ये सर कमरा ही था पुराने जमाने का सर, ये कमरा ही लग सकता है। सर यहाँ पर कुछ सिग्नल आ रहे हैं, कंफर्म सिग्नल है सर हैं, आइए सर कृपया आप इधर देखें, यहाँ से क्या हुआ करता था ये सर, हमारा यहाँ के ये पुराने जमाने के सर इधर बैठते थे परिवार, घर हमारा ही है ये, हम आपसे इसीलिए आपको बुलाए कि हम अपने घर में थोड़ा जानकारी दे सकते हैं, हमारे दादा और पूर्वज लोग क्या हमें छोड़ के गए।
तो सर लगभग कितने सालों से ये बंद पड़ा है? ये सर काफी पुराना हो चुका था, ये हम यूज नहीं कर पाए, हम बारिश देखेंगे ऊपर छत भी बहुत कमजोर हो चुकी है। ये देखिए सर, ये हमारे पुराने जमाने का सर है, पूर्वजों का हमारे सीढ़ी बनाया हुआ, पहले के ऐसे रहते थे सर हमारे, आप कृपया चलके देखिए आगे, आइए सर, पहले आप चलिए सर, नहीं तो आइए हम ये चलते पहले, आइए सर। दोस्तों देख सकते हैं बिल्कुल खड़ा जीना यहाँ पर बना हुआ है, लो आइए सर, कैमरा मैन आराम से आइए। हाँ देख सकते हैं आप चारों तरफ से यहाँ पर वेंटिलेशन का पूरा ख्याल रखा हुआ है, ये देख सकते हैं छत बिल्कुल जर्जर हो चुकी है। आइए सर, हम आपको एक और अपना कमरा दिखाते हैं, बहुत पुराना है, मंदिर कैसा लग रहा है ये सर? हमारा मंदिर ही था पुराना, देख सकते हैं इधर, देखिए कैमरा सर इधर देखिए, ये पुराना हमारा बहुत पुराना है, ये पहले ऐसे ही मंदिर रखते थे लोग कमरों में अपने ही बना के रखा जाता था। आइए सर आप देखिए इधर, आइए सर ये देखिए, और अंदर से ज्यादा लंबा है प्लीज, मेरी समझ में नहीं आ रहा, कभी वहां से आ रहा कभी वहां से आ रहा, चलिए सर छोड़िए आप, चलिए रहने दीजिए। तो सर ज़्यादा कुछ तो यहाँ पर आपसे मिला नहीं है, बाकी जो मैंने सिग्नल्स आपको बता दिए हैं वो आप अपना जब भी चाहें खुदवा सकते हैं, मैंने आपको सिग्नल्स जो है बता दिए हैं, ठीक है सर? आपको यहाँ सर आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर, वेलकम, बहुत ही धन्यवाद हमारे तरफ से, और ऐसे ही सर हमें आपको और अपडेट के लिए आपको हम बुलाते रहेंगे, हमारे ऐसे ही बहुत पुराने हैं। यदि आप कोई भी मेटल एक्टर खरीदना चाहते हैं या उसके बारे में अधिक जानकारी चाहते हैं तो आप मेरे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर संपर्क कर सकते हैं एंड मेरे ऑफिस विजिट कर सकते हैं। इसी प्रकार के हमारे पास ढेर उपकरण मौजूद हैं जिससे कि आप ट्रेजर हंटिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।